आमदन से जायद सासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस, लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त कल होगी, दो रुकनी बेंच केस सुनेगा, अपोजिशन लीडर भी पेश होंगे। पाकिस्तान में कोरोना के हमलों में शिद्दत आ गई, 24 घंटों में मजीद 78 अफराद जान से गए, तादाद 1621 हो गई, मजीद 3938 केसेस सामने आ गए, मुतासिन की तादाद 76398 तक जा पहुंची, सिंध में केसेस की तादाद 39647, पंजाब में 27850 अफराद मुतासर। लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखने का फैसला, दुकानें और मार्केट हफ्ते और इतवार को बंद होंगी। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि हुकूमत के पास लोगों को मजीद पैसे देने के लिए वसाइल नहीं, अब से चंद मखसूस शोबे बंद रहेंगे। वफाकी काबीना का इजलास आज वजीर आजम हाउस में होगा, कोरोना और टिड्डी दल के हमलों की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, तैयारा हादसे का मामला भी जेर गौर आएगा, काबीना वफाकी बजट से मुतल्लिक पेशरफ्त का जायजा लेगी। जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस केस की समाअत आज होगी, मुस्ताफी वजीर कानून फरोग नसीम वफाक की नुमाइंदगी करेंगे, जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट में 11:30 बजे समाअत होगी। जस्टिस काजी फैज ईसा ने फरोग नसीम के पेश होने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। इलेक्शन कमीशन में 2 माह बाद अदालती कार्रवाई आज से दोबारा बहाल, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ गैर मुल्की पार्टी फंडिंग केस की समाअत आज होगी, वफाकी वजीर फैसल वाडा के खिलाफ नाहली की 4 दरख्वास्तों पर भी आज समाअत होगी। गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो मजार के बाहर बाजार में आग लग गई, आग ने पूरे बाजार को अपनी लपेट में ले लिया, आग लगने के 22-20 से ज्यादा दुकानें जलकर खाकिस्तर, इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत आग को बुझा दिया। जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस केस की समाअत आज होगी, मुस्ताफी वजीर कानून फरोग नसीम विफाक की नुमाइंदगी करेंगे, जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट में 11:30 बजे समाअत होगी। जस्टिस काजी फैज ईसा ने फरोग नसीम के पेश होने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। इलेक्शन कमीशन में 2 माह बाद अदालती कार्रवाई आज से दोबारा बहाल, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ गैर मुल्की पार्टी फंडिंग केस की समाअत आज होगी, वफाकी वजीर फैसल वाडा के खिलाफ नाहली की 4 दरख्वास्तों पर भी आज समाअत होगी। गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो मजार के बाहर बाजार में आग लग गई, आग ने पूरे बाजार को अपनी लपेट में ले लिया, आग लगने के 22-20 से ज्यादा दुकानें जलकर खाकिस्तर, इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत आग को बुझा दिया।